होंगे, अच्छे होंगे, सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आपको सरकारी नौकरी कौन दिलवा सकता है, इसी प्रश्न का जवाब ढूंढने के लिए आपने इस वीडियो को क्लिक किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि बिना मेहनत के नौकरी नहीं मिल सकती सरकारी। प्राइवेट नौकरी बहुत हैं, लेकिन सरकारी नौकरी बिना मेहनत के आपको नहीं मिल सकती। आपको बहुत सारे जवाब ऐसे मिले होंगे कि फलाना ने बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी, उसकी नौकरी लग गई, फलाने ने बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी, उसकी नौकरी लग गई। उसके पीछे का रीज़न ये होता है कि कभी ना कभी उन्होंने पढ़ाई करी है। हर व्यक्ति जो सरकारी नौकरी लिया है अभी के दौर में, 2010 के बाद या 2010 से पहले भी, जब से कंपटीशन का लेवल थोड़ा सा अप हुआ है और हर साल अप होते जा रहा है, तब से सरकारी नौकरी बिना पढ़े किसी ने भी नहीं ली है। कुछ अपवाद होते हैं, उसकी बात मैं नहीं करूँगा, वो तो भ्रष्टाचार हर जगह है। लेकिन आपने जो मेहनत करना चाहता है, जो पढ़ के नौकरी लेना चाहता है, उसके लिए इस वीडियो में जवाब है कि आपको सरकारी नौकरी केवल आप दिला सकते हैं और कोई नहीं दिला सकता। अगर आप में जज्बा है, मेहनत करने की ठान ली है, और कोई भी सवाल हो, कोई भी किसी भी तरीके का, चाहे वो किसी और ने आपके कान में डाला हो या कोई भी कहता हो कि ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता, आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, अगर आपको इसकी परवाह नहीं है, केवल आपको लक्ष्य दिखता है कि नहीं सरकारी नौकरी चाहिए, तो चाहिए, किसी भी हालत में चाहिए, तो चाहिए ही चाहिए और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप ऑप्शन बना के रखोगे तो अवश्य ही आप उस सटीक रास्ते तक नहीं पहुँचोगे, क्योंकि वो कठिन होगा, वहाँ मेहनत करना होगा। आप दूसरे रास्ते पर जाओगे जो आपको आराम फील करवाएगा, जो आरामदायक होगा। इसलिए इसका सिंपल सा जवाब है कि सरकारी नौकरी आपको कौन दिला सकता है, केवल आप दिला सकते हो, केवल आप। और कैसे? कड़ी मेहनत करके, कड़ी तपस्या से। थोड़ा सा त्याग करो, थोड़ा सा सोचो कि मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है, मुझे नौकरी लेना है, मुझे पढ़ना है, केवल थोड़ा सा, और जीवन 1 से 2 साल बाद बदल जाएगा। पूरी ज़िंदगी मेहनत नहीं करना, पूरी ज़िंदगी पढ़ाई भी नहीं करनी, केवल 2 साल 1 साल बस। खूब मेहनत करो, खूब मेहनत करो। और मेहनत का क्राइटेरिया ये होता है कि अगर आपको डायरेक्शन सही नहीं मिली है लेकिन आप मेहनत कर रहे हो, तो एक ना एक दिन डायरेक्शन सही मिल जाती है। सही किताब, सही कोचिंग, सही टेस्ट, आप केवल अगर इसको खोजोगे तो कभी पढ़ नहीं पाओगे। हमेशा सही किताब, सही कोचिंग, सही मास्टर किसको पता होता है? जिसने कभी ना कभी गलत किताब, गलत कोचिंग, गलत मास्टर से पढ़ाई करी हो, तभी जाके उसको पता चलता है कि गलत और सही में अंतर क्या है, किस तरीके से पढ़ा जाता है। लेकिन आप लोगों को क्या चाहिए? केवल मक्खन चाहिए। केवल आप YouTube पे ये ढूंढते हो कि अच्छे कोचिंग क्लासेस कौन से हैं, अच्छे ऑनलाइन टीचर कौन हैं, अच्छी बुक कौन है, अच्छे क्वेश्चन क्या हैं। अच्छा तो कुछ होता ही नहीं है। आप अगर जीतोगे तो बहुत कुछ मिलेगा, हारोगे तो उससे भी ज़्यादा कुछ मिलेगा। क्या आपको पता चल जाएगा? आप जीना सीख जाओगे कि ये चीज़ गलत है, समझे? एक सफल व्यक्ति कभी हारता नहीं है। आप परीक्षा में विफल हो जाओगे तो आपको सीख मिलेगी, और सफल हो जाओगे तो जीवन बदल जाएगा, दोनों में आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। इसलिए सही, अच्छी, बेस्ट ढूंढने की कोशिश मत करो, अपना बेस्ट दो। 1 घंटा पढ़ो, 2 घंटा पढ़ो, 3 घंटा पढ़ो, मैक्सिमम एबिलिटी बढ़ाओ अपनी पढ़ने की, समझे? मैं आपको मोटिवेट करता हूँ पढ़ने के लिए। इसकी एवज में आपसे मैं कहता हूँ कि आप पढ़ो, मैं कुछ नहीं मांगता आपसे। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि बिना किसी फ़ायदे के कोई दूसरे के लिए कुछ नहीं करता। करता है भाई, मैं करता हूँ। मैं ये सोचता हूँ कि पढ़ें। अगर मैं एक रिक्शे वाले का इंटरव्यू लूँ, उससे पूछूँ कि अंकल, आज के 20-30 साल पहले आपको पढ़ने का मौका मिलता और आपको सरकारी नौकरी मिलती, तो तब और आज में क्या अंतर होता? वो ज़रूर कहता कि यार मैं पढ़ता, मैं कभी नहीं ये सोचता। 20-30 साल बहुत पीछे जा रहा हूँ, मैं 10 साल पहले की बात बताता हूँ। किसी भी मजदूर आदमी से आप पूछो कि अगर आपको पढ़ने का मौका मिलता तो पढ़ते? वो ज़रूर कहता मैं पढ़ता, मैं एक अच्छी नौकरी का प्रयास करता, समझे? आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद। और हाँ, प्लीज़ कम से कम 200 लाइक करना इस वीडियो को, ताकि नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छा मोटिवेशन मैं आपको दे सकूँ। जय हिंद।